ये 15 साल का बच्चा है जिसके ऊपर बेसिकली इन्होंने अटेम्प्ट की, असॉल्ट किया, ये इनका बयानिया है बाद में, ये मैं जिक्र करूंगा बाद में, ट्विटर इन्होंने शायद उसको बाद में लिखा। ये अदालत में पेशियां भुगत रहे थे, इन पर चार्ज हो गया है। स्काई न्यूज खबर देता है कि ये पेशियां भुगत रहे थे एक लंबे अरसे। ये 2008 का केस है जो इमरान अहमद खान नामी शख्स के ऊपर लगाया गया। ये बहुत बड़ा नाम है, ये छोटा नाम नहीं है, इसको आम आप अहमदी ना समझे, ये कम न सही तो ये सियासत में अब्दुल सलाम लेवल का बंदा है, ठीक है ना जी, ये सियासत में कानून में। उसके बाद ये था, ये हमने सबसे पहले शेयर की थी, ये मैं रिवर्स ऑर्डर में आ रहा था, ये जो अहमदियों का बंदा था, ये जनाब अहमदिया कम्युनिटी के इमरान अहमद खान वेकफिर के रुकन असेंबली पर लड़की से, ठीक हो गया, आगे आप खुद पढ़ लें। ये तो ये बड़ा शोर मचा रहे हैं, बड़ी लुडियां डाल रहे हैं कि जी हम तो ओहो मौलवी पकड़ा गया, मिर्जा साहब सच्चे साबित हो गए। चलें ठीक है जी आमिर भाई, अफसोस तो है ही है, हकीकत ये है कि क्या कहा जा सकता है। मसला ये है कि इंसानों का मुआशरा है और इंसानों के मुआशरे में चाहे वो पाकिस्तान हो या चाहे, अब ये जो आपने दिखाया है कि जनाब एक अहमदी भी इस काम के अंदर मुलव्वस पाया गया है, तो इसका मतलब है जड़े लाहौर पैड़े हो मक्के भी पैड़े, ठीक है। मसलन मुझे नहीं समझ आता कि अगर कोई मौलवी जो ये काम कर रहा है तो वो बंदर सूअर और खंजीर है, और अगर अहमदी काम कर रहा है तो वो जो है ना वो मसीह मऊद की फौज का हिस्सा बन गया। मतलब ये कुछ डबल स्टैंडर्ड्स वाला काम तो मैं समझता हूँ कि अकलमंद अहमदी तो ना करेगा। हाँ अगर किसी ने कोई चंदा खाया हुआ है या किसी ने कोई चीज़ खाई हुई है तो वो उसकी अपनी मर्जी। मैं एक बुनियादी दो तीन चीज़ें वो बयान करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि चलें एक मिनट के लिए सबसे पहले मैं अहमदियों से सवाल करूँगा, उसके बाद फिर अपनों की तरफ आते हैं, पहले बाहर का मसला क्लियर कर। ये जो अहमदियों का ये जो बंदा है, ये केस भी पुराना है, जिस तरीके से हमारे मौलवी साहब ने कहा है कि केस पुराना है, ये केस भी पुराना है, ये भी एक फिकही मसला है बुनियादी तौर पर। अगर आप प्रोड्यूसर साहब लगा सकें तो ये स्काई न्यूज़ के अंदर ये खबर आई है जी, बहुत शुक्रिया। ये 15 साल का बच्चा है जिसके ऊपर बेसिकली इन्होंने अटेम्प्ट की, असॉल्ट किया, ये इनका बयानिया है बाद में, ये मैं जिक्र करूंगा बाद में, ट्विटर इन्होंने शायद किया उसको बाद में लिखा। ये अदालत में पेशियां भुगत रहे थे, इन पर चार्ज हो गया है। ये देखें ये बड़े मुतहर्रिक अहमदी थे, वो भी दिखाएं जहां इन्होंने यूके की आवाम को, अहमदियों को ठीका दिखाया है कि करना है जो कर लो, मैं तो यही करूंगा, मैं तो होंडा ही लैसा, वो जो थंब दिखाया है वो दिखाएं जरा। ये अहमदियों को इन्होंने अंगूठा दिखा दिया, इन्होंने कहा लो इस पे बैठ जाए, बैठना तो मिर्जा मसरूर साहब भी बैठ जाए, पूरी जमात अहमदिया बैठ जाए, सॉरी मतलब यानी यही और क्या है, तो मुझे समझ नहीं आ रही इसको कौन सा नाम दूं मैं सिवाय इसके और के। ये अच्छा अब ये जगह प्राइवेट जिंदगी ये वो ये सारी बातें साइड पर रखेंगे, जज्बाती बातें हैं या बेवकूफाना और अहमकाना तौजीहात हैं। जो मैं सवाल रखने लगा वो ये है, स्काई न्यूज खबर देता है कि ये पेशियां भुगत रहे थे एक लंबे अरसे। ये 2008 का केस है जो इमरान अहमद खान नामी शख्स के ऊपर लगाया गया, ठीक है जी। अब ये बंदा जो है बड़ा नफीस है, आउटलुक इसकी जो है बड़ा नफीस, बड़ा एजुकेटेड, और ये बड़ी पढ़ी, करीम अहमद खान इसका भाई है जो बकायदा लॉ पढ़ा हुआ है। और इंटरनेशनल लॉ को समझता है और गोरों में कर्से से रह रहा है और वहां इनके पूरे असर और सूख है। शेख साहब हो सकता है इस पर रोशनी डालें तो मैं इस पर थोड़ा सी कम बात करूंगा। ये बहुत बड़ा नाम है, ये छोटा नाम नहीं है, इसको आम आप अहमदी ना समझें, ये कम न सही तो ये सियासत में अब्दुल सलाम लेवल का बंदा है, ठीक है ना जी, ये सियासत में कानून में डॉक्टर अब्दुल सलाम लेवल का बंदा है, ये यानी इतना बड़ा अहमदी ये उधर है। अच्छा फिर एक चीज, दूसरी चीज ये है कि ये सिर्फ सियासतदान नहीं है, ये अहमदिया कम्युनिटी का तर्जुमान है, इसने यूके के अंदर पार्लियामेंट में दूसरे इदारों के अंदर इसने बकायदा अहमदिया प्रोसिक्यूशन का केस लड़ा है, ठीक है। इसने यूके के अंदर जो पेश की गई थी सफोकेशन ऑफ द फेथफुल, अहमदिया प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान, ये बकायदा उसका हिस्सा रहा है, इसका नाम मैं, ये बेसिकली इसने पूरा कॉन्टेंट वहां तैयार करके दिया, कानून कवानीन लेजिस्लेशन और पूरी मेहनत इसने की है। यानी ये कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसको ये कहा जा सके कि ये शराबी कबाबी था। अच्छा शुक्र है अभी एक्स अहमदी भी नहीं हुआ, हाँ ये भी चलो मुझसे ले लो, हाँ कल को ये अगर अहमदी छोड़ जाता तो ये भी इल्जाम लगाता
और वो एक नीम मुखन्नस नामी शख्स है, वो प्रोग्राम भी कर देता है इसके ऊपर और इसके बच्चों बीवियों को भी निकाल लाता कि चलो जी ये इमरान अहमद खान जो है ना, ये तो चूंकि ये अहमदियत से इसका खराज इसलिए किया गया है, अभी अहमदी है ये बंदा और मुतहर्रक अहमदी है, अहमदियत की बागडोर इस बंदे ने संभाली हुई। ठीक हो गया जी। अब स्काई न्यूज पे खबर आती है कि 2008 के अंदर ये देखें, ये पार्लियामेंट के अंदर ये पूरी बहस ये कर रहा है, ये देखें, ये मैंने कहा ना, ये जफरुल्ला जो वजीर खारजा सी शेख साहब फॉरन मिनिस्टर जो था, ये उस लेवल की जफरुल्ला खान जी, ये उस लेवल की पर्सनैलिटी बेसिकली अहमदियत में यूके के अंदर है, उस लेवल की पर्सनैलिटी है, अब्दुल सलाम लेवल की पर्सनैलिटी है और इसकी ड्रेसिंग आप देखें टिपिकल ब्रिटिश पर्सनैलिटी इसने अपनाई हुई, ठीक है, इसका आउटलुक ब्रिटिश है, इसकी जो थ्री पीस इसने पहना हुआ है और टाई और बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन, यानी ये बहुत मंजा हुआ सियासतदान है, मंजा हुआ। मैं इसलिए ये स्ट्रेस देकर चीज बयान कर रहा हूं कि ये कोई चीचा वतनी का पत्तोकी का नारोवाल का जाहिल अहमदी नहीं है कि अहमदियत कह दे कि जी ये जामे अहमदियत से भागा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे मैं ये अर्ज करूँ कि आप करीम खान का भी जिक्र कर रहे थे, करीम खान लॉयर है और ये जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इमरान जो है जिसकी बात ये पार्लियामेंट, ये इमरान है। अच्छा, अब ये मैं इसलिए पूरा ये जो मैंने एक इसका नक्शा बयान किया है आउटलुक और इसकी पर्सनैलिटी को मैंने एज इट इज बयान किया है, एज इट इज, इसमें कोई मुबालगा और फिर नीम मुखन्नस की जुबान में और उसके मुर्शद की जुबान में इसको कोई एशियाई मुबालगा ना समझे, कौली काली फेली माली जानी अब्दाली फलानी टमकानी इस्तियारी तमसीली ड्रामेबाजी सारी खिदमत इसने अहमदियत की हुई है, ठीक है जी, ये आपके सामने। तो ये अहमदियत की इतनी सड़ तोड़ कोशिश करने वाला और अहमदियत का डंका यूके में और दुनिया के कोने कोने में बजाने वाला, ये कब होमोसेक्सुअलिटी का घंटा बजाने लगा हमें नहीं पता, ये इसने ये काम ये कार्रवाई कब डाल दी, 2019 में, यानी ठीक 9 साल कार्रवाई के 9 साल बाद 2008 में ये कार्रवाई होती है और 2019 के अंदर 9 साल बने। हाँ जी, ठीक हो गया, नहीं ये करीबन बन गया, सॉरी आप कर लें दो, ठीक हो गया, तो ये तकरीबन मोर देन अ डेकेड, ठीक है ना, तकरीबन 12-13 के करीब साल ऊपर बन जाएंगे, 19 साल ये हो जाएंगे 2019 में और 8 वो, ये तकरीबन 20 साल से भी ऊपर का केस बन जाएगा इस बंदे पर जो इल्जामात लगे हुए। अब अपन अंदाजा करें, ऐसा शख्स जब इस लेवल पर ये कार्रवाई करेगा, अहमदियत किस जगह पर खड़ी होगी, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं, मौलवी तो हो गए भाई बदकार, ये मेरा आम अहमदी को सवाल है, जरा तवज्जो इधर कीजिएगा, मौलवी तो हो गए बदकार, ठीक है जी, मुफ्ती हो गए तो बदतरीन मखलूक, और जनाब ये आपके जो है ना ये मदरसे के फारग जितने हैं ये सारे के सारे हो गए बच्चे बाज, आपके बकौल जो टर्म आप बोलते हैं, ठीक है, अगलामबाजी करते हैं या हम जिन्स परस्ती करते हैं, जो भी टर्म आप बोले, होमोसेक्सुअल्स हैं, होमोज है जिनको कहते हैं, ये सारे तो वो हो गए भाई, ये आपका इतना बड़ा है, आप इसकी तरबियत नहीं कर सके यार, मुझे अगर आपने अहमदी बनाना है, आमिर हक को अहमदी बनाना है, कोई तरबियत तो पेश करो कि कोई एक बंदा आप में ऐसा हो जिसको मैं पेश कर सकूं कि यार ये वो है, ये फर्क आप में है और ये गैर अहमदी मुस्लिम के अंदर फर्क है, कोई एक बंदा लेके आओ यार, छोड़ो मिर्जा को, उसके तो तमाशे ही बड़े हैं, कोई बाद वाले को, कोई एक कॉमन अहमदी मेरे सामने पेश करें जो अहमदी गैर अहमदी से बेहतर हो, मैं अहमदियत कबूल कर लूंगा, जाओ इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूँ, क्योंकि आप तो ढंडोरे ही पीटते हैं ना, आप तो कहते ही हैं जी हम अल्लाह की चुनिंदा वो मखलूक हैं, हमसे पहले तो लोग जो है ना वो बेड़ा गर्क करवा गए, एक तो मैं ये चीज कहना चाह रहा था, तो मैं स्ट्रेस देकर इसलिए बयान कर रहा हूँ कि कॉमन अहमदी से मेरा सवाल ये है कि होश और हवास में बैठकर जरा सोचें इस चीज को। अहमदिया कल्ट की मैं वापस इस पे आऊंगा, मतलब अपने इसी चीज के ऊपर कि हमारे रियासत के अंदर क्या होना चाहिए, बात चली उसकी कि वो शख्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें उसके एक भाई का नाम आया करीम का, जो इसका भाई ये करीम खान, मैं आप लोगों को बताऊं कि इस इमरान का भाई करीम खान जो है, जो बड़ा मशहूर वकील है यूरोपियन यूनियन के अंदर, बकायदा तौर पे उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, वो मिर्जा ताहर अहमद का दामाद था, उसकी बेटी मिर्जा ताहर अहमद की मोना बेटी जी। मोना मिर्जा ताहर अहमद की बेटी मोना का हमद था, ये दोनों भाई, और इमरान जो था ये औरतों के साथ खुश नहीं होता था, ये मर्दों की सोबत में रहता था, गे था जी, वो नहीं वो था वो नीम मुखन्नस, ठीक है जी, कैरी ऑन, नीम तो नहीं फिर पूरा हुआ ना, नीम तो ना हुआ यार, ये आप जो भी कर लें,
मतलब वो सर्टिफाइड बंदा था। अब ये बताऊं कि क्यों था, ये बताऊं कि क्यों था, ये जफरुल्ला खान की गोद में पला हुआ है इमरान, और जफरुल्ला खान जो थे उनको ये आदत थी। ओहो शेख साहब देखे, मैंने भी कड़ी वहीं मिलाई थी। हाय 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 हाय, बजा बजा बजा। यानी नहीं नहीं एक मिनट, यानी वो भी वो भी, हाँ मतलब वो जो थे वो इन मौलवियों की तरह नहीं करते थे, बल्कि मौलवी जो बच्चे बेचारे के साथ जो हो रहा है वो बच्चे वाली जगह लिया करते थे। उसको बॉटम कहते हैं ना, ये एलजीबीटी टर्म। आप जो भी कहे मैं नहीं कहूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो हो हो हो, ठीक हो गया सिलसिला। ये अब ये जो चीज है इसमें अहमदियों कादियानियों को भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, कि इंसानों के अंदर इस किस्म की आदत बीमारियां ये जो चीजें हैं ये पाई जाती हैं, मतलब इनको कोई भी ऐसा दुख अफसोस नहीं होना चाहिए। मैंने बकायदा तौर पे आपकी इतला के लिए चौधरी जफरुल्ला खान के आखिरी दिनों में, मतलब उनकी कोठी लाहौर के ऊपर मिर्जा रफी अहमद और हमारे सदर होते थे महमूद बंगाली, उनकी ड्यूटी दी हुई है इनकी बकायदा तौर पे इनके आखिरी लम्हों तक। ओहो हो हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शेख साहब तुसी तो फिर हैं ए की हो गया। शेख साहब तुसी तो ड्यूटी देंदे रहे हो जड़े वेखण वाले बिस्तरे मरक के ऊपर जिस वक्त इवन जियाउल हक, मजे की बात है, जिस दिन जियाउल हक और जॉर्डन का सफीर उनकी की आयादत के लिए आया है, आई वॉज देयर। सिलसिला ये है, कहने का मेरा मकसद है कि ये जो चीजें, ये जो हरकतें आदत इंसान के अंदर पाई जाती हैं, बीमारियां, ये कोई ऐसी अचंभे वाली कोई ऐसी चीज बात नहीं है। वरना ये जो बात मैंने उसके हवाले से, इमरान और करीम के हवाले से जो बात की है, मतलब आप सोचें इस चीज को कि इमाम मेहदी को तो आप ले आए और उसको आपने दफन भी कर दिया, इमाम मेहदी को तरबियत आपकी ये खाक हुई मिर्ज़ाइयों का इमाम मेहदी। नहीं मैं कहता हूं उसका तो दावा तो ये है ना, उसका तो दावा ये है ना कि मैं सबके लिए इमाम मेहदी होके आया था, तो मैं वो बिदअतें वो सारी बुराइयां खत्म करने के लिए आया था, तो जफरुल्ला जैसे बंदे छोड़ के चला गया तो पीछे, इमरान जैसे बंदे छोड़ के चला गया तो पीछे। शेख साहब वो एक्स का दिया नहीं थे, सॉरी जी। चलो फैन जीते हैं जी, सही जाओ साड़ी तवील फिर। अच्छा ये दोनों एक्स कादियानी नहीं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, अलबत्त मैं एक्स कादियानी। तो फिर आप इल्जाम लगा रहे हैं सिद्दीकी, ये मर्दाई मैं उन्हें वकालत कर रहे हैं। मसला ये है कि ये आलम कहें मौलवी कहें, इनका वजूद खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, इनकी कोई हैसियत कोई चीज इनका स्टेटस है ही नहीं। इस वक्त ये सबसे बड़ी थ्रेट बने हुए हैं रियासत के लिए, इस वक्त इन्होंने कौम को उम्मत को बर्बाद किया हुआ है। अगर ये हो तो ये एक सफ में खड़े हों, एक प्लेटफॉर्म पे हों, जब इन्होंने अपने जुब्बे अलहदा किए हुए हैं, जब इन्होंने अपनी टोपियां दस्तारें अलहदा की हुई हैं, इन्होंने अपनी कुर्सियां अलहदा की हुई हैं, इन्होंने अपनी किताबें अलहदा किए हुए हैं, वो कैसे एक हो सकते हैं? होना एक चाहिए कि एक किताब इन सब के हाथ में होनी चाहिए और सबकी एक जुबान होनी चाहिए। जब तक वो नहीं है, तवीले ले आएंगे सारे, बहुत तवीले आएंगी, सारा कुछ आएगा, आई नो दैट, लेकिन यकीन कर लें इन सबको दरिया बुर्द करें, इन सबको समंदर में गर्क करें, कुछ नहीं होता। कौमों की कौमें जो हैं अल्लाह ताला ने गर्क कर दी हैं, वो अपनी नई कौमें फिर ले आया, कुछ नहीं होने लगा। आपको फिल्टर करना होगा इनको जो नासूर है इस सोसाइटी के लिए, इंसानियत के लिए, इनका वजूद आपको खत्म करना होगा, फिर ही बच्चे बचेंगे, फिर ही बच्चे सुकून का सांस लेंगे, फिर ही जैसे हफीज मक्की साहब ने कहा है ना कि इन मौलवियों पे कभी एतबार न करना। तो मेरा मकसद ये सिर्फ मौलवी नहीं, इसमें वो सारे जितने अलामे शलामे ये वो उलमा फामे मुफ्ती शुफ्ती ये सब आते हैं। शेख साहब मक्की साहब क्या है, मक्की साहब क्या है फिर? देखे बात किसी के मुंह से निकले, मक्की साहब जो हैं
अगर उसी लाइन में, तो वो अपने आप को भी कह रहे हैं, मैं तो बात कह रहा हूँ उनकी बात, मुझे ये नहीं होता कि कौन कह रहा है, मैं बात की बात कर रहा हूँ, बात क्या है। ठीक, जबरदस्त।